Hello everybody, how are you doing? This is Vipnayak and I think you are doing well. And how's your parents? Are they doing well? Okay. So let's move towards topic. Yesterday I told you about English noun, right? Nouns ke baare mein hum logon ne padhe the. What is the meaning of noun? A word that is a name of a person. A word that is a name. एक word है जो कि किसका है? Name होता है. किसका name होता है? Person का name होता है. या फिर एक animal का name होता है. या फिर place का name होता है. या फिर किसी चीज का name होता है. तो उसको हम thing का name होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Noun बोलते हैं. Right? Okay. Moving towards person name or people name. जैसे कि सुजीत, जैसे कि रिहाना, राम, रहीम, ओके, मैन, वुमेन, डैड, मॉम, मम्मी, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, लाइक दैट, यू नो. ओके, एनिमल्स. एनिमल्स का नाम बताओ. जैसे कि टाइगर है, लायन है, रैबिट है, कैट है, ओके, हॉर्स है, ठीक. प्लेस नेम्स, ये जो नेमिंग वर्ड है, प्लेसेस का भी नेमिंग वर्ड होता है. तो क्या क्या है, चलो देखते हैं. दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, काशीपुर, रामनगर, ये सब जगहों का नाम है. ये भी एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है. ओके, थिंग्स नेम, चीजों का नाम. जैसे कि शूज, टी शर्ट, मोबाइल, राइस, टीवी, बुक, पेन, लाइक दैट, यू नो. सो दीज आर कॉल्ड द नेम्स ऑफ थिंग्स, ठीक है. दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग्स. सो नाउ यू कम टू नो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द नाउन एंड व्हाट आर एनिमल नेम्स, प्लेस नेम्स, पर्सन नेम, थिंग्स नेम. आपको समझ में आ गया होगा. चलो, टुडे वी विल मूव टूवर्ड्स प्रॉपर नाउन. नाउन तो नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, हम ये दोनों को सीखेंगे. द प्रॉब्लम इज दैट समथिंग इट इज स्ट्राइक इन योर माइंड दैट व्हाई प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. नाउन को भी डिवाइड किया गया है, दैट इज इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. इंडिया, इंडिया किसी देश का नाम है? एक ही देश है दुनिया में, इंडिया. ओके, इंडिया किसी देश का नाम है, इसका मतलब और किसी के पास ये नाम नहीं है. तो ये हो गया क्या? प्रॉपर नाउन. ओके, एंड अगर हम ये बोलते हैं कंट्री, अमेरिका एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, श्रीलंका एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, नेपाल कंट्री है, म्यांमार एक कंट्री है, थाईलैंड एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है. तो कंट्रीज बहुत सारे हैं, लेकिन एक कंट्री जो है ना, वो इंडिया है. तो इंडिया किसी एक को मिला हुआ नाम, और बाकी सब लोगों को मिला के एक नाम होता है, वो है कंट्री. तो कंट्री हो गया आपका कॉमन नाउन, एंड इंडिया हो गया आपका प्रॉपर नाउन. अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड. जैसे स्टेट्स के नाम होते हैं, चलो ये तो आउटसाइड ऑफ कंट्री, हम कंट्री के अंदर ही देखते हैं, ठीक है. ओके, स्टेट्स का नाम हम देखते हैं. स्टेट्स लाइक हमारे स्टेट का नाम क्या है? उत्तराखंड. और हमारे बाजू में कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड व्हाट, पंजाब है, हरियाणा है, फिर आया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु. सो व्हाट स्टेट्स आर देयर, बट उत्तराखंड कितने हैं? एक है. उड़ीसा कितने हैं? एक है. महाराष्ट्र कितने हैं? एक है. तो किसी एक स्टेट को एक नाम मिलता है, और सब स्टेट्स को मिला के एक नाम होता है स्टेट. सबका एक कॉमन नाम होता है स्टेट, और जो प्रॉपर नाउन होता है वो होता है उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, लाइक दैट. ओके, अब समझ में आए? सबको जो नाम हम देते हैं वो होता है आपका कॉमन नाउन और कॉमन नेम, और किसी एक के लिए जो नाम असाइन किया गया है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन, है ना.
चलो एक चीज बताओ, हमारे स्कूल में कितने टीचर्स हैं? हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन आवर स्कूल? तो हमने टीचर्स बोला, राइट? मे बी 60 टीचर्स, मे बी 70 टीचर्स, मे बी 80 टीचर्स इन आवर स्कूल, ठीक है? लेकिन उनमें से एक टीचर सुजीत नायक है। सुजीत नायक जो है वो है आपका प्रोपर नाउन, एंड टीचर्स जो है वो आपका हो गया कॉमन नाउन। अब समझ में आया? यस, ओके। फिर हम देखते हैं, हमारे स्कूल, हमारे क्लास में बहुत सारे गर्ल्स हैं, राइट? हम सबको गर्ल्स बोलते हैं। उनमें से एक गर्ल है, उसका नाम लेनियासा है, ओके? और सब लड़कियों को अगर हम बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? गर्ल्स। वो हो गया कॉमन नेम। और प्रॉपर नेम क्या है? लेनियासा। अंडरस्टूड? ओके। आयुष, एक बॉय है हमारे क्लास में, उसका नाम आयुष है। तो आयुष किसी एक लड़के का नाम है, और सारे के सारे लड़कों को मिला के हम एक नाम बुलाते हैं, वो होता है बॉयज। इनोस, लवी, दीज आर द प्रॉपर नेम्स और प्रॉपर नाउन्स। किसी एक एक को जो नाम मिला है वो है प्रॉपर नाउन, और सबको मिला के जो नाम होता है वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, कंट्री। ओके, क्यों? कंट्री सिर्फ हमारे पास है? अमेरिकन के पास भी एक कंट्री है, चाइना वालों के पास भी एक कंट्री है। आपने पेप्सी पिया होगा, कोको कोला पिया होगा। ओके, कोको कोला एक अलग नाम है, पेप्सी एक अलग नाम है। ओके, इन सब को मिला के जो नाम निकलता है वो होता है कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया आपका कॉमन नाउन, एंड पेप्सी, कोको कोला एंड व्हाट, थम्स अप, स्प्राइट, ये एक-एक हो गया। क्या ये प्रॉपर नाउन्स है। एनी कंफ्यूजन? जिस कंट्री, स्टेट, गर्ल्स, बॉयज, ये आप नॉर्मली लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर नाउन जब आएगा ना, प्रॉपर नाउन किसी एक का जब नाम होता है ना, उसमें क्या से कैसे स्टार्ट होता है? दैट इज स्टार्ट, दैट इज बिलोंग्स टू अ कैपिटल लेटर। अंडरस्टूड? दैट इज बिलोंग्स टू अ कैपिटल लेटर, एंड देन एवरीथिंग। लाइक इंडिया, आई शुड बी कैपिटल, एंड NDIA दैट इज स्मॉल लेटर। कुछ समझ में आया? ओके, जैसे कि आयुष, अगर कहीं पे हम लिखते हैं, आयुष का नाम लिखते हैं, तो ए शुड बी कैपिटल। और क्या क्या होता है, जैसे कि मंथ्स नेम, वो प्रोपर नाउन होता है। मंथ्स क्या होते हैं? प्रोपर नाउन होता है। एंड वीक नेम प्रोपर नाउन होता है। कंट्री नेम प्रोपर नाउन होता है, ठीक है? तो इनमें से जब हम लिखते हैं, वेन एवर वी आर राइटिंग दोज थिंग्स, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर। वो जो वर्ड होता है ना, इंडिया, आई कैपिटल, पाकिस्तान, पी शुड कैपिटल लेटर, चाइना, सी शुड कैपिटल लेटर। अंडरस्टूड? लैब्राडोर, ये अलग किस्म का डॉग है। जर्मन शेफर्ड, ये अलग किस्म का डॉग है। भूटिया, ये अलग किस्म का डॉग है। तो क्या होता है, अगर इन तीनों को एक जगह पे रखा जाता है तो हम डॉग्स ही बोलेंगे। ओके, या फिर हम उनको नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि रिनी, स्वीटू, टॉमी, दीज आर द नेम्स विच वी आर गिविंग टू डॉग्स। और कभी कभी हम इंसानों का नाम भी डॉग को दे देते हैं, राइट? मेरा नाम किसी को मत देना। नाउन हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रॉपर नाउन, अनदर पार्ट दैट इज कॉमन नाउन। अंडरस्टूड? नाउन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन रवि है तो कॉमन नाउन हो गया बॉय। अगर प्रॉपर नाउन लिनियासा है तो व्हाट, कॉमन नाउन होगा गर्ल्स। अगर प्रॉपर नाउन सुजीत नायक है तो कॉमन नाउन होगा टीचर। अंडरस्टूड? मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगा, ऐसे कैप्शन में लिख के दूंगा, या फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं, कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा जिस वर्ड्स को आपको क्लासिफाई करना है, कौन सा कॉमन नाउन के टेबल में आएगा और कौन सा प्रॉपर नाउन के टेबल में आएगा, ठीक है? श्योर? दिस वॉज फॉर टूडे। आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग एल्स टूडे। कोई बात नहीं, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहेंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करना, लिखो, या फिर मैसेज करो, वॉइस मैसेज छोड़ देना मेरे लिए। या फिर अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक काम करना, आप लाइक बटन प्रेस कर देना, और बोलना भी डेफिनेटली कि सर समझ में आ गया। ओके किड्स, जस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, जस्ट use mask, wash your hands and
एंड स्टे सेफ. ओके, हैव अ नाइस डे.